हेलो गाइस, दिस इज अंकुर बंसल, एजुकेटर एट द अनअकैडमी प्लस। सो गाइस, पिछले कई दिनों से बहुत सारे बच्चे मुझसे क्वेरी कर रहे हैं कि सर, टेस्ट सीरीज तो दे रहे हैं, टेस्ट रेगुलर दे रहे हैं, बट मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, मार्क्स नहीं आ रहे हैं। आपके कहने से हम उसको इग्नोर करके फिर भी टेस्ट दिए जा रहे हैं, बट सर आप एक बात तो बताओ, मार्क्स तो नहीं आ रहे हैं। तो टेस्ट तो दे रहे हैं, मार्क्स तो नहीं आ रहे हैं, क्या करे, कहाँ जाए, कैसे एक्यूरेसी बढ़ाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ब्लैंक आउट हो चुके हैं। सो गाइस, उसी के समाधान के लिए, उसी के सॉल्यूशन के लिए आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात बताऊंगा, आप उसे फॉलो करना एंड डेफिनेटली आपके मार्क्स भी आना स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। गाइस, पहली बात आप ध्यान रखो कि गेट का जो एग्जाम है ना, वो 65 क्वेश्चंस का होता है। गेट का जो एग्जाम है ना, उसमें 12 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, 10 टेक्निकल, 2 नॉन टेक्निकल। और इस एग्जाम के जो मार्क्स है, ये आपका करियर डिसाइड करते हैं। अभी राइट नाउ जो आप टेस्ट दे रहे हो, वो या तो टॉपिक वाइज टेस्ट है या वो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है। उसमें से क्वेश्चन या तो एक टॉपिक में से आए हैं या फिर एक सब्जेक्ट में से आए हैं। वो क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस है लगभग। उन क्वेश्चंस की जो वेटेज है वो भी 100 मार्क्स नहीं है। उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए जो टाइम मिलता है वो भी 3 आवर्स नहीं है। मतलब कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं है जो गेट के एग्जाम से मैच करती हो। क्या क्या कंडीशन है? 3 आवर का पेपर होता है, 65 क्वेश्चंस होते हैं और 100 मार्क्स की वेटेज होती है। तीनों ही चीजें मैच नहीं कर रही है। तो पहली बात मैं आपको समझाना चाहूंगा कि मार्क्स नहीं आ रहे, सोचने से पहले थोड़ा लॉजिकल सोचो कि कंपैरिजन तो तब करें ना जब दो चीजें सेम डोमेन में हो। क्या आप मीटर को सेंटीमीटर में जोड़ सकते हो? क्या केजी से ग्राम को जोड़ सकते हो? नहीं जोड़ सकते जब तक यूनिट सेम ना हो। तो आपको वो डोमेन सेम करनी पड़ेगी, तब जाके आप कंपेयर कर पाओगे कि आप कहां स्टैंड करते हो। और डोमेन सेम करने के लिए क्या करना होगा? फुल एंड टेस्ट देने पड़ेंगे। तो अगर आपको देखना है, अपने आपको जज करना है कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो, तो गाइस फुल एंड टेस्ट देना शुरू कर दो। बहुत ज्यादा नहीं, आप इस मंथ में 5 फुल एंड टेस्ट तो दे सकते हो, 5 फुल एंड टेस्ट। अगर आपके टॉपिक वाइज टेस्ट बचे हुए हैं देते रहो, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट बचे हुए हैं देते रहो। जस्ट प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट के हिसाब से आप 5 फुल एंड टेस्ट दे दो। उन 5 फुल एंड टेस्ट को देकर आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहां स्टैंड करते हो। उन 5 फुल एंड टेस्ट को देकर आपको समझ में आ जाएगा कि अभी के अभी अगर गेट का एग्जाम हो तो आप कितने मार्क्स स्कोर कर पाओगे, क्वालिफाई हो पाओगे या नहीं, 50 नंबर कैच हो गए या नहीं, या 70 तक पहुंच रहे हो। आपको थोड़ी पिक्चर क्लियर हो जाएगी और यह भी क्लियर हो जाएगा कि मुझे 70 मार्क्स तक पहुंचने के लिए क्या करना है। और यह भी क्लियर हो जाएगा कि जब 3 आवर्स का टाइम मिलता है, 65 क्वेश्चंस आते हैं और 100 नंबर का पेपर होता है, तो आप 3 घंटे तक बिल्कुल कंसिस्टेंटली बैठ पाते हो या नहीं बैठ पाते। बहुत सारी चीजें आपको पता लग जाएगी, क्लियर हो जाएगी इस 5 फुल एंड टेस्ट को देकर। तो पहली चेंज तो ये चेंज करो जो मैंने भी बताया। दूसरा गाइस, आपके मार्क्स इसलिए इंप्रूव नहीं हो रहे हैं क्योंकि आप वही गलती रिपीट कर रहे हो। जब तक तुम मिस्टेक्स रिपीट करना बंद नहीं करोगे, तब तक मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। और मिस्टेक्स को रिपीट ना करें, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है रिवीजन से। अब आप बोलोगे सर, रिवीजन तो हम कर ही रहे हैं। तो गाइस, मैं जिस रिवीजन की बात कर रहा हूं वो नहीं कर रहे हो आप, मिस्टेक्स की रिवीजन नहीं कर रहे हो। जो मिस्टेक्स आपने पहले की है, आप उन मिस्टेक्स को रिपीट कर रहे हो क्योंकि आप मिस्टेक्स की रिवीजन नहीं कर रहे हो। आपको पता ही नहीं है कौन सी मिस्टेक मैंने पहले की है। तो अब आप पूछोगे सर, मिस्टेक्स की रिवीजन कैसे करें? बहुत आसान है, एक रजिस्टर बनाओ, हर टेस्ट के बाद जो मिस्टेक करते हो उस रजिस्टर पे लिखो, उसका नाम लिखो मिस्टेक रजिस्टर या फिर इंप्रूवमेंट रजिस्टर, और उस रजिस्टर को रिवाइज करो अगला टेस्ट देने से पहले। सो बिफोर गिविंग एनी टेस्ट, जस्ट रिवाइज दैट रजिस्टर। और जब आप पुरानी मिस्टेक्स करना बंद कर दोगे, धीरे धीरे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, धीरे धीरे आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो आपके मार्क्स 3 चीजों से कटते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक, सिली मिस्टेक और कंसेप्चुअल रीजन। तो कैलकुलेशन और सिली मिस्टेक्स इन चीजों से दूर हो जाएगी। और जहां तक बात है कंसेप्चुअल की, तो गाइस ये देखो कि पेपर के अंदर जिस टॉपिक के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए वो कौन कौन से टॉपिक है,
और उन टॉपिक्स को दोबारा से नोट्स में से पढ़ो, उन टॉपिक्स के पीवाईक्यूज दोबारा करो, हो सके तो उन टॉपिक्स के लेक्चर्स दोबारा देखो, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा वो टॉपिक्स कौन से हैं जिनसे आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, और जब उनको रिवाइज करोगे, उनके क्वेश्चंस दोबारा करोगे, तो उन टॉपिक्स में से भी क्वेश्चंस बनने लगेंगे। तो जब आप मिस्टेक नहीं कर रहे हो, कंसेप्चुअली पेपर बाय पेपर आप खुद को स्ट्रोंग कर रहे हो, तो गाइस देर इज नो रीजन कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। डेफिनेटली परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, मार्क्स भी अच्छे आएंगे। सो गाइस इस चीज को चेंज करना अभी से शुरू कर दो, एंड अगर आपको सच में सिंगल डिजिट रैंक लाना है ना, तो गाइस आज से ही रैंक इंप्रूवमेंट सीरीज देखना शुरू कर दो। रैंक इंप्रूवमेंट सीरीज स्पेशली आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं प्लस प्लेटफॉर्म पे, और इस रैंक इंप्रूवमेंट सीरीज के अंदर मैं हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, आईपीसी तीन सब्जेक्ट्स के कंसेप्ट को आपका ऐसा कर दूंगा ना कि गेट 2024 में आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 30 मार्क्स इन तीन सब्जेक्ट्स में मैं कंफर्म कर दूंगा आपके, कंफर्म। और अगर 30 मार्क्स तीन सब्जेक्ट से ही आ गए ना, तो गाइस गेट में सिंगल डिजिट की जर्नी काफी दूर नहीं बचेगी, फिर बहुत आसान हो जाएगी। सो डेली 9 बजे में मिलता हूँ रैंक इंप्रूवमेंट सीरीज के अंदर बच्चों से, और उनको ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो उन्होंने ना कभी सुने होते ना पढ़े होते हैं, बट गेट के लिए बहुत जरूरी है। तो गाइस आज ही स्टार्ट करिए रैंक इंप्रूवमेंट सीरीज और अपने रैंक को इंप्रूव कीजिए। ऑल द बेस्ट गाइस, होप टू सी यू सून, लेट्स क्रैक इट।